नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIIC में और मैं अमित कुमार सोनी सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, और पसंद आता है तो लाइक करें। हाँ, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ग एक और दो अब अपने अंत की ओर आ गई है, यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है DPI द्वारा और जनजाति विभाग का भी कुछ ही समय में ये शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए प्राचार्यों को लेटर भी जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया है। लेकिन दोस्तों, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसके संबंध में वो है माध्यमिक शिक्षकों का और वो है पदवृद्धि को लेकर के। रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा काफ़ी लंबे समय से इसका प्रयास किया जा रहा है कि पदों में वृद्धि हो जाए। जिला स्तर पर कई टीमें बनाई जा रही हैं और अब दोस्तों वहां पर ये जो कार्य प्रणाली है ये बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गई है कि भाई तीव्र गति से इन आंदोलनों को बढ़ाया जाए, उनको काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया जाए। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो कटंगी क्षेत्र है जबलपुर का, वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के और जो बेरोजगार संघ के, तो उन्होंने जो केसर विसेन है जिला पंचायत वहाँ की सदस्य हैं, तो उनसे निवेदन किया है, उनको ज्ञापन दिया है कि भाई मुख्यमंत्री से वो बात करें और पद वृद्धि के लिए कहें, क्योंकि काफ़ी कुछ असमानता रही है। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी जानकारी है तो वो आप लोगों को पेपर के माध्यम से मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें है ये जबलपुर एक्सप्रेस है कटंगी क्षेत्र का और हेडिंग है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पदों में वृद्धि की मांग की जा रही है। अब लोक शिक्षण संचालनालय पर आरोप लगाया है कि पदों का जो आवंटन किया है उसमें गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों ने जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन को ज्ञापन सौंपा। अब दोस्तों, इसमें जो कुछ खास बातें हैं वो तो सब आप लोग जानते ही हैं कि भाई माध्यमिक शिक्षक में जो चार विषय थे, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू, इनके सभी में काफ़ी पद कम आए थे। किसी में 60 है, किसी में 100 हैं और इस प्रकार से जो है 50 और 18, इस प्रकार से जो पद आए हैं तो उसमें निश्चित रूप से दोस्तों असमानता दिखती है और इसकी वजह से ही जो है ऊँट के मुँह में जीरे के समान जो पद हैं। तो माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो अच्छे अंक लेकर के आए हैं अभ्यर्थी तो वो इस प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं, जबकि दूसरे विषय यदि हम इंग्लिश की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, तो इनमें पदों की संख्या इनमें तुलनात्मक रूप से अधिक है और इसकी वजह से जो है मेरिट इनकी काफ़ी नीचे भी चली गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और है कि अभी जो पदों का डिस्क्लोज किया गया है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, तो दोस्तों उसमें जो पद सामने नज़र आए हैं तो वो काफ़ी संख्या में हैं और आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक हैं, जबकि जो पद निकाले गए हैं तो वो बिल्कुल नाम मात्र के हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ये दिख रहा है कि विज्ञान के 1689 पद उसमें बताए गए हैं कि रिक्त हैं, सामाजिक विज्ञान के 2335 हैं, हिंदी के 1532, गणित के 4525, संस्कृत के 1690, अंग्रेजी के 5200 आदि विषयों का जो है रिक्तियों का विवरण दिया है। और शिक्षा मंत्री ने भी और केंद्र सरकार ने भी अपने जो रिव्यू किए थे उसमें बताया था कि 91,000 जो है शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश में खाली है, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार है, शिक्षा विभाग है, वो उन पदों पर सभी पर नियुक्ति नहीं कर रही है, केवल नाम मात्र के पद ही उन्होंने लिए हैं। ठीक है, नाम मात्र के पद लिए हैं, लेकिन कम से कम पदों में समानता तो होनी चाहिए थी, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को इस प्रकार के आंदोलन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब दोस्तों, जब ज्ञापन दिया तो जो विसेन है, केसर विसेन, उन्होंने क्या कहा, तो उनका भी मैं आप लोगों को वक्तव्य बता देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने इसके संबंध में अपने विचार दिए। जिला पंचायत सदस्य केसर विसेन का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पदों का आवंटन भेदभावपूर्ण किया गया है और ये आनुपातिक दृष्टिकोण से भी न्यायोचित नहीं है। कुल रिक्तियों में 96% पद अंग्रेजी, गणित और संस्कृत को आवंटित किया जाना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और हिंदी जैसे विषयों से शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के साथ एक छलावा है, ऐसा इनका कहना है। जबकि आज भी अधिकांश स्कूलों में इन विषयों पर अतिथि शिक्षकों से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। श्रीमती विशेन ने आगे कहा कि शासन प्रशासन और लोक शिक्षण संचालनालय के उच्चाधिकारी, जो भी हाई लेवल के अधिकारी हैं, जो भी इससे संबंधित हैं, इस मामले को गंभीरता से लें और पदों का पुनर्विचार कर बराबर का आवंटन किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने समान डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, इस प्रकार से सभी अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो सके, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को उचित तरीकों से भर्ती का लाभ मिल सके।
ठीक है। उसके आगे वो कहते हैं कि वे अभ्यर्थियों की इस मांग को शासन स्तर तक पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पर सांत्वना दे दी है कि अब जो है आगे जरूर पहुंचाएंगे। अब इसके पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि सुमेर सिंह सोलंकी जी को भी, जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनको भी ज्ञापन दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा है, और जिसके बारे में आप लोगों को पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।